हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि रिसेंटली काफ़ी सारे मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पे हर एक मैच में हर एक टीम का काफ़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 41वें मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। इन दोनों की टक्कर हमेशा रोमांचक होती है। इस सीजन में इन दोनों का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पिछली बार जब दोनों की टक्कर हुई थी, तो जहां पर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे हाईएस्ट टोटल 287 रन बनाया था। यह मैच आपको 25 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए, तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब ये बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल मैच 23 खेले गए, जिसमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 10 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर सनराइजर हैदराबाद 12 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे हैदराबाद के बीच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे एसआरएस ने यहाँ पर आईपीएल इतिहास का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर 277 रन बनाया था। बॉलर्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 43% रहेगा और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 39% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 59% जीतने का चांस है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 160 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 149 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहली टीम यानी बेंगलोर का शॉट एनालिसिस करते हैं। सीजन में फिर से फैंस का दिल पूरी तरह टूट गया, टीम एक जीत के साथ तरस गई है। टीम के लिए टूर्नामेंट अब तक बहुत डिसअपॉइंटेड वाला रहा, टीम ने अब तक 8 मैच खेले, जिसमें से एक ही मैच में जीत हासिल की। टीम लगातार 6 मुकाबले हार गई, टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई है। लास्ट गेम में टीम जहां पे केकेआर के खिलाफ बिग टोटल चेस करते हुए 1 रन से हार गई थी। टीम की बॉलिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, अब यहां से टीम को अपनी प्लानिंग चेंज करनी होगी। ओपनिंग में बात करेंगे, जो कि विराट कोहली और कैप्टन डुप्लेसी स्टार्ट दे रहे हैं। कोहली ने 379 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर भी पहन लिया। नंबर 3 पर जहां विल जैक, जो कि लास्ट गेम में काफ़ी अच्छा खेले थे, जो कि 55 रन बनाए थे। वहीं पर कैमरॉन ग्रीन, जो कि लास्ट गेम में इंक्लूडेड थे। जहां पर रजत पटेदार, जो कि फॉर्म में आ चुके हैं। टीम के सुपरस्टार फिनिशिंग में दिनेश कार्तिक इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग में बात करें तो टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है, टीम ने हर कम्बिनेशन ट्राई कर लिया बट सब में फ्लॉप चल गए, कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे। मोहम्मद सिराज, जो कि लास्ट गेम में 1 विकेट लिए थे, वहीं पर आकाशदीप को इस गेम में चांस मिल सकता है। स्पिन बॉलिंग में टीम वीकनेस है, करण शर्मा ने लास्ट गेम खेला था, ऋषि टोपली की जगह न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गूसन को चांस मिला था, बट वो भी बहुत महंगे पिट गए। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि फैफ डुप्लेसी से विल जैक है, विराट कोहली है, रजत पटीदार है, कैमरॉन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक है, महिपाल लोमरा, यश दयाल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गूसन। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें, जो कि विजय कुमार है, सौरभ चौहान है, प्रभु देसाई है, अनुज रावत है, स्वप्निल सिंह है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जो कि दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली है, मोहम्मद सिराज है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी सनराइजर हैदराबाद का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने टूर्नामेंट अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आ रही है। टीम लगातार बिग स्कोर बना रही है, टीम के बैटर्स आग उगल रहे हैं और मैच में नए नए रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। टीम ने अब तक 7 मैच खेले, जिसमें से जीत के आ रहे और टॉप 3 में भी स्टेबल है। पैट कमिंस टीम की बेहतरीन कप्तानी भी कर रहे हैं, टीम की बैटिंग ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है, हर मैच में टीम के लिए एक नया प्लेयर हीरो बनकर परफॉर्म कर रहा है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, वहीं पे पावर प्ले में दोनों टीम तेज शुरुआत कर रहे हैं। नंबर 3 पे बात करें, जो कि एडम अक्राम भी कंसिस्टेंस होकर रन बना रहे हैं, जहां पे हेनरी क्लासन इस साल ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। लोअर ऑर्डर में शहबाज अहमद एंड अब्दुल समद भी हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। वहीं बॉलिंग में बात करेंगे, थोड़ी बहुत महंगी भी पिट रही है, टीम 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है। यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, जो कि लास्ट गेम में 1 विकेट लिए थे, वहीं पे पैट कमिंस, जो कि अब तक 9 विकेट लेकर टीम के टॉप विकेट टेकर भी है, वहीं पे नटराजन, जो कि लास्ट गेम में 4 विकेट लिए थे। स्पिन डिपार्टमेंट में मयंक मारकंडे, जो कि 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडम मक्काम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद है,
सवाल हमारे नीतीश रेड्डी है, टी नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, पैट कमिंग्स है, मैंक मार्गेट है। इंपैक्ट प्लेयर देखते हैं जो कि अनमोल प्रीत सिंह है, उमरान मलिक है, वाशिंगटन सुंदर है, ग्लेन फिलिप्स है, राहुल त्रिपाठी है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ट्रेविस हेड है, निक लार्सन है, पैट कमिंग्स है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर होगा, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रिसेंटली काफ़ी सारे मैच भी हार चुकी है। पिछले भी मैच में देखे तो सिर्फ एक रन से हारी है, तो इस मैच में पूरी कोशिश करेगी यह मैच जीतने के लिए। यहाँ पे हैदराबाद को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।